नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लोगों को कम समय में लखपति बनाने के सपने दिखाने वाली फ्यूचर मेकर कंपनी के हिसार में स्थित कार्यालय को सील कर दिया गया है और पुलिस ने राधे श्याम और अन्य लोगों के घर पर छापे मारे और फ्यूचर मेकर कंपनी के गोदामों पर भी छापे मारे। और साथियों, आपको हैरानी होगी कि पुलिस को वहां पर क्या मिला। चलिए हम बताते हैं आपको वहां पर पुलिस को क्या मिला। साथियों, वहां पर एक रिवॉल्वर और एक एसयूवी में 60 लाख रुपए नगद मिले। 60 लाख रुपए नगद मिलना और एक रिवॉल्वर मिलना, आपको क्या समझ में आता है? साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी आप लोग घरों में ही बैठे हैं। साथियों, आपको सच्चाई अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि कानूनी कार्रवाई में मीडिया दखल नहीं कर सकती, इसलिए मीडिया फ्यूचर मेकर लाइफ केयर के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी न्यूज नहीं दे सकती। और साथियों, अपना हौसला बढ़ाइए और अपने पैसे को पाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए। बाकी आपके सामने धीरे धीरे फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी की सच्चाई आ जाएगी। और आप लोगों को एक बात बता दें कि जो भी हमारे वीडियो पर गालियां लिखते हैं वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ हुआ क्या है। और आप जो ये गालियां दे रहे हो, आप अपने आप को ही गालियां दे रहे हो, क्योंकि जब फ्यूचर मेकर की पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। साथियों, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको घरों से निकलना होगा और फ्यूचर मेकर की पूरी सच्चाई जानना होगा। और साथियों, हार मत मानिए, घरों से निकलकर फ्यूचर मेकर कंपनी की सच्चाई जानिए। पुलिस स्टेशन जाइए और वहां से पूछिए क्या हुआ, फ्यूचर मेकर कंपनी कब रिलीज होगी। और साथियों, जो भी है यूट्यूब पर अपनी अपनी रोटियां लाल कर रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी अगर सच है या सच्चाई के साथ चल रही है तो भारत का कोई भी कानून उसे परेशान कर सकता है? नहीं साथियों, बहुत गलत हुआ है, आप सभी लोगों को ठगा गया है। और आप साथियों, आप अभी तक चुप बैठे हैं, आप अपने घरों से निकलिए। साथियों, ये लोग तो गालियां देते रहेंगे और आप अगर ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद आप समझ सकते हो क्या होगा। साथियों, आप सभी जानते हो कि BSEL कंपनी हो गई, सहारा कंपनी हो गई, सहारा में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है अभी तक उनको पैसा नहीं मिल रहा है साथियों। और उनको कहा जा रहा है कि आप अपना पैसा फिर से उसी में इन्वेस्ट कीजिए 3 साल के लिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पूरी सच्चाई के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PSEL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।